हेलो दोस्तों, जो आप ये नदी देख रहे हैं ये कोई मामूली नदी नहीं है। इसलिए इसकी खासियत क्या है कि ये यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के बाद जाकर ये समुन्द्र में मिल जाता है नदी। और ये वही समुन्द्र में मिलता है जो आपको हम वीडियो में दिखाते हैं। ये पारादीप के समुन्द्र में मिल जाता है ये नदी। ये पानी भी खारा पानी है, आप ये पानी पी नहीं सकते, हाथ पैर धोइएगा तो नमक वाला पानी। बड़ी बड़ी मछली मिलती है दोस्तों, वीडियो में बने रहे हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं हम लोग का ये पोर्ट का गेट है जिससे हम लोग एंट्री करेंगे यहीं से, और ट्रेन जा रही है। ट्रेन जाने के बाद हमारे गाड़ी का एंट्री होगा। वीडियो में आप लोग बने रहिए, पोर्ट का नजारा आपको दिखाएंगे, पोर्ट कैसा है, माल कैसे खाली हो रहा है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। अभी हम लोग इस ओवर ब्रिज पे हैं, देख सकते हैं नदी है, ये बहुत बड़ी नदी है। ये पारादीप से 10-12 किलोमीटर पीछे में है, और शाम को यही 10-11 बजे रात में यहाँ पे सीरियल लगा था। देख सकते हैं इधर पूरा नदी है, पूरा इधर क्लियर दिखाई दे रहा है। तो उधर देखिए पूरा है, गाड़ी बढ़ नहीं रहा है, और जो भी गाड़ी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है सीरियल वो सब दहीने दहीने नंबर काट के जा रहा है लोग। हमारा टायर फट गया था तो इसीलिए हमारा एक दिन गाड़ी डिटेन हो गया, जिसके वजह से आज हमको और आगे होना चाहिए था 5-6 किलोमीटर। आज हम लोग का तीसरा दिन हो गया। अब देखते हैं कितना दिन और लगता है और क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है। आप लोग वीडियो बने रहे और प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। आगे हैं इफ्को छक पे, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और पारादीप पोर्ट है। अब पोर्ट के अंदर गाड़ी आपका घूम के लगभग 7-8 किलोमीटर तकरीबन घूम के सीरियल लगता है, उसके बाद जाके पार्किंग में खाली होता है। तो देखते हैं आज हम लोग घुस जाएंगे, उम्मीद तो है घुसने का। देखते हैं आज खाली हो पाता है या नहीं, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गाड़ी पे हमारा माल लोड है, और देख सकते हैं इतना इसका पत्ती जो है डाउन हो गया एक साइड में, देख सकते हैं इतना झुका हुआ है। पत्ती इतना नहीं मतलब कि दबा होना चाहिए, पत्ती होना चाहिए। आइए देखिए टायर के पास, ये एक उंगली का गैप होता है, एक उंगली यहाँ पर लगाए हैं, थोड़ा सा गैप ऊपर में है, और इसमें बिल्कुल नहीं है। देख सकते हैं ये देखिए ऊपर सटा है, आगे गए तो टायर में भी सट गया, ये पूरा दब गया। इसको तो हम तिरछा कर दिए हैं, नहीं तो और जाके बेंड हो जाता। गाड़ी हमारा झुका बहुत है, पत्ती हाई करवाना पड़ेगा। देख सकते हैं इधर से पूरा झुका हुआ है गाड़ी। तो इस बार चलेंगे तो मालिक से बता देंगे कि थोड़ा हाई करवा देगा तो सही है, टायर पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है। और वीडियो में आप लोग बने रहें, वीडियो इंजॉय कीजिए। ये वाली नदी है, ये जाकर समुंदर में मिल जाता है। इसमें मछली आपको बहुत बेहतरीन मछली मिलता है, इसमें झींगा, बड़ा बड़ा झींगा है, हर तरह का बढ़िया मछली मिलता है इसमें। हेलो दोस्तों, पोर्ट में घुसने के लिए हम लोग सीरियल लगाए हैं, देख सकते हैं आप लोग इधर से गाड़ी पूरा लगा हुआ है। और इधर देखिए कितना लाइन है, भीड़ा भीड़ी किया हुआ हमारा ये सामने गाड़ी है, और पीछे वो सीरियल है, उधर से आके यहाँ से घुसेगा। और ये देखिए एक डबल लाइन यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके आगे जो उठानी दिख रहा है उसके जस्ट डाउन होंगे तो गेट है, 2 नंबर गेट है, उसी से हमको अंदर जाना है। फिलहाल अंदर जा रहे हैं तब आपको वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो में बने रहें। स्टार्ट नहीं हो रहा है, लाइट तो जल जाओ, लाइट लाइट लाइट। उससे टाइट करने से होगा, BS6 लीलन का बहुत प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, टर्मिनल तार इसका ढीला हो गया है। सीरियल में हमको पोर्ट में घुसना है, हमारा गाड़ी वो आगे है, एक दूसरा गाड़ी यहाँ घुस गया। देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। BS6 गाड़ी का थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाएगा, फ्यूज उड़ गया कुछ भी, लेकिन उसका टर्मिनल का तार खराब है जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई उपाय लगाते हैं इसको। आयरन खाली किए तो वीडियो आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि रात में खाली हुआ, और खाली करके सुबह आए फिर जिप्सम लोड करने के लिए। वही पहाड़ है जो अगले जिप में लोड किए थे, देख सकते हैं दोनों साइड गाड़ी, हमारा वो गाड़ी खड़ा है,
सीरियल में वो मशीन लोड दे रहा है देखिए यहाँ पे, और इधर का सीरियल है यहाँ लोडिंग हो रहा है। आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा देखिए।